समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इंस्टाग्राम रील्स का मुद्दा उठाया। रील्स बनाने वालों पर भड़के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि नजरें झुक जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में न्यूडिटी और अल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। प्रोफेसर यादव ने सरकार से इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की और जनसंघ के जमाने से ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा का नारा भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में अंग्रेजी छठवें क्लास से पढ़ाई जाती थी। जब बच्चा थोड़ा सीख लेता था तब उसे बताया जाता था, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जी हाँ, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि आज स्थिति ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर इंस्टाग्राम रील्स का नाम लेना चाहूंगा। सपा सांसद ने कहा कि अनुमानों के मुताबिक हमारे युवा हर रोज औसतन 3 घंटे इंस्टाग्राम पर रील्स देखने, भद्दे सीरियल्स और भद्दे प्रोग्राम देखने में बिता रहे हैं। प्रोफेसर यादव ने कहा कि साथ बैठने, साथ खाना खाने से परिवार में जो प्रेम होता है आज वह नहीं है। लोग साथ बैठे रहते हैं लेकिन फोन में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, शादी हुई, इसके बाद लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रोफेसर यादव ने ऑनलाइन क्लासेस का भी जिक्र किया और सरकार से इंस्टाग्राम रील्स समाज में न्यूडिटी और अल्कोहलिज्म बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म को लेकर कदम उठाने की मांग की है। If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया। कहीं लड़की मर्डर, लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती हैं और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं, तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। वहीं महाराष्ट्र से एनसीपी सांसद फौजिया खान ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एक बच्चे के सुसाइड का भी जिक्र किया और इसे लेकर री रेगुलेशन बनाने की मांग की। इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह सहानी ने भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाए जाने का मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी के सांसद ने राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया पर कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी कुछ भी लिखा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष के लिए भी। विक्रमजीत ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए ऐसा कुछ लिखा था जिसे हम सदन में बोल भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इससे सोसाइटी में टेंशन हो रही है, ऐसे अकाउंट्स को बंद किया जाए। विक्रमजीत सिंह ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन लिबर्टी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने इसे लेकर प्राइवेट मेंबर्स बिल भी सदन पेश किया था, इसे लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।